नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल न्यू टेक्निकल राज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ये वॉशिंग मशीन की मोटर है, इसकी वाइंडिंग करके दिखाएंगे और इसका वाइंडिंग डाटा बताएंगे, एल्युमिनियम और कॉपर दोनों का डाटा बताएंगे और इसे वाइंड करके दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, और इसके थ्री वायर कनेक्शन निकाल के भी दिखाएंगे कि तीन वायर निकलते हैं। जैसे कि ये मोटर है, देखिए आप, इसमें तीन वायर निकले हुए हैं, इसके भी कनेक्शन बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसे हम देख लेते हैं, ये कितने एमएम की मोटर है। ये मोटर वॉशिंग मशीन की स्पिन मोटर है, जिस पोर्ट में हम कपड़े सुखाते हैं उसी पोर्ट की ये मोटर है। ठीक है दोस्तों, ये 20 एमएम की मोटर है दोस्तों, और इसका अंदर इनर डाया देखते हैं कितना है। अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरह की मोटरों का डाया और ये इसका एमएम बना के देती हैं। इनर डाया सेम यही है और कोर डाया यही है, तो आपका यही डाटा लगेगा। देखिए दोस्तों, ये 68 एमएम है दोस्तों। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ें आपकी, ये वाली 20 एमएम है और ये 68 एमएम है, तो आपका यही डाटा रहेगा। ठीक है, और यही कॉइल साइज रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसे बाइंड करके दिखाते हैं और एल्युमिनियम और कॉपर दोनों का ही डाटा बताएंगे। ये 1440 आरपीएम में बनके तैयार होगी हमारी मोटर। ये हमारा जो माला है, इसका साइज है हमारा 20.5 इंच। ठीक है दोस्तों, और इसमें हमने गेज इस्तेमाल किया है, वो हमारा है 30 नंबर, और इसमें टन हमने लगाए हैं 155 टन है दोस्तों। ठीक है, अब रनिंग की डालेंगे तो रनिंग बताएंगे, स्टार्टिंग का जब डालेंगे तब स्टार्टिंग का डाटा बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखें दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जो आपसे जुड़े हैं, जो ये काम करते हैं, उन दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए तो आपको डाल के दिखाते हैं। पहला राउंड हमारा 1 से 4 में पड़ेगा, सिंगल राउंड रहेगा, इसमें एक ही राउंड पड़ेगा दोस्तों। अब दूसरा हमारा राउंड 1 से 6 में पड़ेगा दोस्तों, ये हमारी एक कॉइल पड़ चुकी है। पहला राउंड हमने डाला था 1 से 4 में, और दूसरा राउंड हमारा है 1 से 6 में। 1 से 6 में हमने 2 राउंड डाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी कॉइल डालते हैं। ये हमारी दोनों क्वाइलें पड़ चुकी हैं दोस्तों। ठीक है, इसी तरह से हम ये दोनों डाल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। पूरा डाल के आपको दिखाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए हम इसे अब डाल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इसके कनेक्शन कैसे होते हैं, और फिर स्टार्टिंग का आपको डाटा बताएंगे। ठीक है, ये हमारी रनिंग की क्वाइल पड़ चुकी हैं दोस्तों। चलिए तो इसके कनेक्शन आपको बता देते हैं कि कैसे कनेक्शन करने हैं। देखिए दोस्तों, आप जब भी कनेक्शन निकालेंगे
ऐसा टेप लगा होता है, या अगर जहाँ से वायर निकलेगा वहाँ पे आप निशान कर लें कि हमें कनेक्शन कहाँ पे निकाल लें। ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसका ये अलग अलग तरह का होल होते हैं, इसकी बॉडी भी अलग अलग तरह से फिट होती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि हमारे कनेक्शन पहले कहाँ से निकले हैं। हमारे तो यहाँ टेप के पास से निकले थे, तो हमने इसी के सामने रखे हुए हैं, यहाँ पे कोई निशान कर लें। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें भी यही है। तो चलिए कनेक्शन बताते हैं आपको। ये वाला वायर हमारा इधर से निकला है, ये वाला इधर चला गया, अब इस साइड का बचा हुआ है, इधर से आया इस साइड में आ गया, इधर से इधर आ गया। ठीक है, अब इधर वाला निकलेगा तो इस साइड वाले में जाएगा, इधर वाला हमारा इस साइड वाले में जाएगा। ठीक है, और ये बचा हुआ हमारा कनेक्शन के लिए हो गया। चलिए तो इस पर कॉटन टेप लगा लेते हैं, उसके बाद आपको इसका स्टार्टिंग का डाटा बताएंगे, एल्युमिनियम और कॉपर दोनों का डाटा बताएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों इस पर कॉटन टेप लग चुकी है। अब हमारी स्टार्टिंग की कॉइल का डाटा बताएंगे और कॉपर का भी डाटा बताएंगे। ये जो हमारा माला है, इसका साइज है हमारा 19.5 इंच। ठीक है दोस्तों, इसमें टन हमारे इस्तेमाल हुए 160, इसका गेज है हमारा 31 नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए तो कॉपर का डाटा बताते हैं। जो हमारी जो स्टार्टिंग की कॉइल है, इसका हमारा माला साइज यही रहेगा और टन, और इसके टन भी यही रहेंगे, और हमारा जो गेज है वो हमारा हो जाएगा 32 नंबर। और ये जो रनिंग की है, इसका हमारा माला साइज जो था वही रहेगा, और इसका कॉइल साइज भी वही रहेगा, और टन हमारे वही रहेंगे। ठीक है, सिर्फ हमारा गेज चेंज होगा, गेज हमारा रहेगा 31 नंबर। ठीक है दोस्तों, और एक बात आपको बता दें, ये हम बाइंड कर रहे हैं, ये बाइंडिंग कभी भी हीट नहीं होगी। और काफ़ी लोग बताते हैं डाटा, उसमें ये सिस्टम लगा होता है, हीट होगी तो वो ये समझते इससे कंट्रोल हो तो जाएगी कंट्रोल, लेकिन मशीन अच्छे से काम नहीं करेगी। जैसे ही ओवरलोड होगी अपने आप बंद हो जाएगी, तो जैसा परफॉर्मेंस होना चाहिए वो नहीं दे पाएगी मशीन। ठीक है दोस्तों, यही डाटा आप डालें, एकदम परफेक्ट डाटा है। चलिए तो हम इसकी एक कॉइल आपको डाल के दिखाते हैं, उसके बाद इसके कनेक्शन आपको दिखाएंगे। और ये इसमें जो हीट होने पर ऑटोमेटिक कट हो जाता है, ये सिस्टम लगा होता है, ये भी लगा के दिखाएंगे। एक से चार में हमारी ये एक राउंड रहेगा, जैसे हमारी रनिंग का था वैसे ही हमारी स्टार्टिंग का कॉइल पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पूरा देखें दोस्तों, तभी आप समझ पाएंगे कि कैसे बाइंड होती है और कैसे इसके 3 वायर कनेक्शन होते हैं, और ये डाटा हमने ऐसा क्यों लगाया है। ठीक है दोस्तों, इसमें 4 MFD का कैपेसिटर लगेगा, ये आपको ध्यान रखना, इसी हिसाब से इसका डाटा होना चाहिए। ये हमारी कॉइल कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, 1 से 4 में हमने 1 राउंड लगाया है और 1 से 6 में हमने 2 राउंड लगाए हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसे पूरा बाइंड कर लेते हैं, उसके बाद आपको कनेक्शन दिखाते हैं। दोस्तों हमारी बाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। आपको एक बात बता दें, आप देखिए यहाँ पे, देखिए आप यहाँ पे साफ लिखा है 4 MFD। ठीक है दोस्तों, और इस वाले पे लिखा है 5 MFD। काफ़ी लोग डाटा गलत बता देते हैं, अगर आप 32 नंबर कॉपर इस्तेमाल इसमें करेंगे इसकी स्टार्टिंग में, तभी 4 MFD कैपेसिटर के लिए परफेक्ट होगा। और अगर आप एल्युमिनियम है 31 नंबर आप की स्टार्टिंग में लगाएंगे, ठीक है, तभी 4 MFD के लिए परफेक्ट रहेगा। काफ़ी लोगों को देखा है डाटा बताते हैं, वो क्या करते हैं, इसमें जो कॉपर की वाइंडिंग है स्टार्टिंग में, तो वो 33 नंबर बता देते, 33 नंबर बहुत गलत हो जाएगा दोस्तों, मोटर हीट ही होगी, 4 MFD बहुत हो जाता है 33 नंबर के लिए। ठीक है, आप
कैपेसिटर देख लें उसमें कौन सा लगा है, कितने एमएफबी का लगा है, उसी हिसाब से इसकी बाइंडिंग करें, आपकी बाइंडिंग परफेक्ट चलेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसके कनेक्शन आपको करके दिखाते हैं। चलिए तो इसकी आइसोलेशन साफ कर लेते हैं। हमने यहाँ पे 0 नंबर की स्लिप डाल ली है। इससे अच्छी तरह से साफ हो जाता है दोस्तों। ये हमारी आइसोलेशन साफ हो चुकी है दोस्तों। चलिए तो इसकी कनेक्शन कर लेते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट हुए थे और यहाँ से यहाँ एंड हो गए आगे। ठीक है, अब ये दोनों कॉइलों के बीच से हम यहाँ से चले। ठीक है, अब यहाँ पे एंड हो गए। तो हमारी जो इसकी शुरुआत लास्ट में जहाँ पे ख़त्म हुए हैं वो दोनों वायर हम एक साथ लेंगे। अगर आपको ये वायर सीखने हैं फैन में भी और किसी भी जगह पे आप सीखने हैं कि आपके उल्टे चक्कर ना हो, सीधे ही चक्कर रहें, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लें वीडियो। ठीक है, उसमें हमने कनेक्शन कैसे करने हैं वो बताया, बहुत अच्छी तरह से समझाया है। ऐसे ही मोटर सीरीज में लगा के ऑन करके दिखाइए कि चक्कर कैसे आपको देखने हैं, कोई कसना नहीं पड़ता है ऐसे में। ठीक है, एक ब्लेड और एक कील की मदद से। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो हमारा है थर्मल हीट सिंक कट ऑफ है इसका नाम, इसको यहाँ पे लगाएंगे हम पहले। ठीक है, अब ये हमने 3 कलर के वायर लिए हुए हैं। पीला वायर है हम स्टार्टिंग की कॉइल में लगाएंगे जो हमारे कैपेसिटर के लिए जाएगा, जो हमने कॉमन किया था जिसमें ये हमारा कंपोनेंट लगा उसमें हम ये ग्रीन वायर लगाएंगे जो हमारा कॉमन है। ये हमारा रनिंग के साथ हो गया। अब इस वायर, ये जो कंपोनेंट है ये हम रनिंग के साथ बांधेंगे कि रनिंग की कॉइल जैसे ही हटो ये बंद हो जाएगा। अब इसी तरह से बांध लेंगे। ठीक है दोस्तों, बांध लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। दोस्तों हमारी मोटर कंप्लीट हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों हम काफ़ी तरह की मोटरों के बारे में जानकारी देते हैं, उसे बाइंड करके दिखाते हैं और उसका डाटा बताते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी समस्या हो तो हमें कॉमेंट में बताएँ।